rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला, आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द मास का चैप्टर 15 है। चैप्टर 14 में हम लोग देखे थे कि जिमिन अरेस्ट हो जाती है और वो कंफ्यूज करने ही जाती है, तभी हम चैप्टर वहाँ पे बंद कर दिए थे। और नेक्स्ट चैप्टर में एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व होने वाला है, तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द मास्क चैप्टर 15। एक्सीडेंट करवा के फायदा क्या हुआ? जियान तो अभी भी जिंदा है। What? मतलब तुमने सच में? हाँ? क्यों? चिल्ला मत जियान। हाँ मैंने मैंने ओह गॉड, 3 months कोमा बस और क्या। लेकिन इससे मैं खुश नहीं हुई थी, इसीलिए वापस आई। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। For God's sake, मुझे कोई समझाओ। जिमिन क्यों ऐसा करेगी, इससे इसका क्या फायदा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि चल क्या रहा है। ये कह के जिन जिमिना को एक पिक्चर शो करवाती है। ये तुम्हारा ही पिक्चर है ना मिस पार्क? है तो मेरा ही पिक्चर, मैं तब भी बहुत क्यूट थी, है ना? Shut up! जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दो। You shut up, Mr. Whatever! अब कहने की बारी मेरी है। तुम लोग का बहुत सुन लिया, अब मेरा सुनो। जंग होसियोक, ये नाम याद है किसी को? क्या होबी? होबी यंग? तुम होबी यंग को कैसे जानती हो? हाँ, होबी यंग को तुम कैसे जानती हो? कौन है तुम? हाँ होबी यंग, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। क्या? कंफ्यूज्ड मत होइए मिस्टर मिन, वो मेरे ब्लड रिलेटेड यंग नहीं है, लेकिन मेरे लिए सारे रिश्ते से बढ़कर है। मैं जब 4 साल की थी, मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़ के अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके घर बसाए थे। मॉम डिवोर्स के बाद सियोल आ गई थी मुझे लेके। तब यांग के मॉम डैड हमारे न्यू नेबर्स थे और मुझे और मॉम को बहुत सारा प्यार करते थे। मैं यांग की प्रिंसेस थी, मेरा पूरा टाइम यांग के साथ गुजरता था। लेकिन जब मैं 10 साल की थी, तब मॉम को एक बहुत अच्छा ऑफर यूएसए से आया ऑफिस से, तो हम यूएसए चले गए थे। लेकिन यांग हमेशा मुझसे कनेक्ट रहते थे। एक दिन मॉम का भी एक्सीडेंट में डेथ हो गया और मैं यूएसए में अकेली पड़ गई। अंकल आंटी ने मुझे यहाँ आने को कहा, लेकिन यांग ने मना किया था। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे वहीं पे रह के कॉन्सेंट्रेट करने को कहा। अंकल के एक जान पहचान के दोस्त यूएसए में रहते थे, वही मेरा ध्यान रखते थे। एक दिन मुझे यांग का एक्सीडेंट का बारे में पता चला, मैं खुद को रोक नहीं पाई और सियाल आ गई। तभी पता चला कि यांग कोमा में है। मेरे लिए जो इंसान इतना इम्पोर्टेंट था, उसको इस हालत में देखना कितना डिफिकल्ट होता है, कैन यू इमेजिन दैट? हाउ कैन यू इमेजिन, यू आर ऑल कार्ड्स। मुझे पता है,
हमें हॉबी के बारे में। Shut up, just shut up, Mr. Min. मेरा कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो जो मैं कह रही थी, यंग हॉस्पिटल में थे और मैं उनके रूम में पड़ी हुई रहती थी। बस गार्ड से यही प्रे करती रहती थी कि यंग को ठीक कर देने के लिए। ऐसे ही एक दिन यंग के स्टडी टेबल से मुझे उनका एक डायरी मिला और तभी मुझे इस एक्सीडेंट का रीजन पता चला। मैं तसल्ली करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखा। अब प्लीज ये मत पूछिएगा कि मैंने कैसे देख लिया, क्योंकि पैसों से सब कुछ बिकता है, सब कुछ। और तुम सब जान के शॉक हो जाओगे कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। किसकी वजह से? इस जियोन की वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैं तो हाँ, तुम डायरी में मैंने यंग और तुम्हारा झगड़ा के बारे में पढ़ा था। तुम उसे इनकार नहीं कर सकते जियोन। बहुत प्यार का मिसाल देते हो ना तुम। हाँ, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आया मेरी यंग के गर्लफ्रेंड के साथ फोर्सफुली प्यार का नाटक करने में? हाँ, इतना झूठ कैसे बोल लेते हो जियोन? तुमने कहा था ना कि यही तुम्हारा पहला प्यार और आखिरी प्यार है। झूठ झूठ सब झूठ। यानुंगली, ये अपने प्यार के जाल में फंसाने में शर्म नहीं आया तुम्हें? हाँ, यानुंगली की तरह एक प्यारी सी लड़की को तुम्हें फंसाने में शर्म नहीं आया? ते इसने तुम्हें सब कुछ झूठ बोला है। इसकी वजह से मेरा यंग तुम गलत हो जमीना। वो जियोन मैं नहीं, हॉबी यंग का बेस्ट फ्रेंड और मेरा ट्विन ब्रदर जियोन जंगुक था। क्या जंगुक? तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये चैप्टर भी मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि पजल सॉल्व होने में थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ना। हाँ, धीरे धीरे सारा पजल सॉल्व होता जाएगा। जंगू कहाँ है, होबी कोबा में क्यों है, क्या है ये सब झगड़े के बारे में क्या बात करी है जिमिन, और यंगोली कौन है? ये सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिर अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कॉलर का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसको फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगियो, बाय बाय।